हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और फंक्शन की बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट। तो देखिए, स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सिस्टम में अवेलेबल मेमोरी स्पेस का मैनेजमेंट करता है। तो इसमें देखिए, स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या होता है कि डिस्क स्टोरेज इज ऑनली वन ऑफ द मेमोरी टाइप्स दैट मस्ट बी मैनेज बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डिस्क स्टोरेज होता है, किस डिस्क स्टोरेज किसी भी मेमोरी टाइप में, ये किससे मैनेज होता है? ये इसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब इसमें अगर हम स्पीड के हिसाब से रैंकिंग करें तो देखिए, हमें हमें मालूम है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में तीन तरह की मेमोरी। एक तो हो गया आपका हाई स्पीड कैश, हाई स्पीड कैश मेमोरी, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, और उसके बाद होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो देखिए, सबसे हाई स्पीड ये होती है, उसके बाद ये होती है, उसके बाद ये होती है, यानी इसकी जो है ये फास्टेस्ट होती है स्पीड वाइज, और ये स्लोएस्ट होती है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन तीनों तरह की मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक, अब पहला आ जाइए हाई स्पीड कैश में। हाई स्पीड कैश में क्या होता है कि दिस इज फास्ट रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेमोरी दैट आर अवेलेबल टू द सीपीयू थ्रू द फास्टेस्ट कनेक्शन। कैश कंट्रोलर प्रेडिक्ट विच पीस ऑफ डाटा द सीपीयू विल नीड नेक्स्ट एंड पुल इट फ्रॉम मेन मेमोरी इनटू हाई स्पीड कैश टू स्पीड अप सिस्टम परफॉर्मेंस। तो देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि कैश मेमोरी का काम क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका सीपीयू है, ठीक है, और ये हमारा मेन मेमोरी है, दिस इज आर मेन मेमोरी, ठीक। अब सीपीयू की स्पीड आपको मालूम है कि सीपीयू जो है मिलियंस या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन मेन मेमोरी से जो डाटा उसको रीड करना है, मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी की स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती है कि इतनी तेजी से इसको डाटा सप्लाई कर सके, ठीक है, या मेन मेमोरी से आप डाटा इतनी तेजी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए सीपीयू ने कोई डाटा इंस्ट्रक्शन के लिए रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, तो या तो सीपीयू उतनी देर आइडियल रहेगा, वेट करेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, सीपीयू टाइम वेस्ट होगा। उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक कैश मेमोरी लगा देते हैं, एक कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है, कैश मेमोरी सीपीयू से भी कांटेक्ट में रहता है और मेन मेमोरी से भी कांटेक्ट में रहता है। तो कैश मेमोरी एडवांस में ये देख के रखता है कि सीपीयू को नेक्स्ट किस डाटा की ज़रूरत है, वो पहले से ये डाटा यहाँ से लेके अपने पास रखता है, ताकि सीपीयू जैसे ही इंस्ट्रक्शन देगा डाटा को रीड करने का, कैश मेमोरी तुरंत उसको सप्लाई कर देगा, ठीक है। और ऐसे यही चीज़ उल्टे उसमें आउटपुट इंस्ट्रक्शन में भी होती है। सीपीयू जो आउटपुट देता है वो बहुत तेज स्पीड से देता है, और उतनी तेज स्पीड से आउटपुट यहाँ सेव नहीं हो सकता, राइट नहीं हो सकता। तो टाइमिंग के लिए कैश मेमोरी क्या करती है, उसको अपने पास स्टोर कर लेती है, ठीक। और फिर जैसे जैसे ये लिखता जाता है, ये इसको डाटा राइट के लिए देती जाती है। तो यानी एक तरह से सीपीयू और मेन मेमोरी, ठीक है, इसके स्पीड में जो मिसमैचिंग है, इसके स्पीड में जो मिसमैच है, उसको कंपनसेट करने के लिए इन दोनों के बीच में एक हाई स्पीड कैश मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन है हाई स्पीड कैश का ये यूज़ होता है, और इसको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आप आ जाइए मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है, दिस इज द रैम दैट यू मेजर्ड इन मेगाबाइट्स व्हेन यू बाई ए कंप्यूटर। तो मेन मेमोरी जो आपकी रैम मेमोरी होती है, मतलब जो भी प्रोसेस आपके रन कर रहे होते हैं वो कहाँ पे रन करते हैं, रैम के अंदर। तो ये मेन मेमोरी होती है, जो भी प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है वो इसके अंदर रन करेगा, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वापस वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा, ठीक। अब आ जाइए सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है, दिस इज मोस्ट ऑफन सम सॉर्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक स्टोरेज दैट कीप्स एप्लीकेशन डाटा अवेलेबल टू बी यूज्ड
एंड सर्व एज ए वर्चुअल रैम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस तरह काम करता है, ये भी वर्चुअल रैम या वर्चुअल मेन मेमोरी की तरह काम करता है। क्योंकि देखिए कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि सारे प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कई प्रोसेस हैं, अब ये हमारी मेन, ये हमारी मेमोरी है, रैम है। अब सपोज कीजिए एक प्रोसेस ने इतनी जगह ले ली रैम में, दूसरे ने इतनी ले ली, तीसरे ने इतनी ले ली, चौथे ने इतना ले लिया, पांचवे ने इतना, छठे ने इतना, ठीक। अब मान लीजिए P6 तक तो सही, सपोज कीजिए P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 सात प्रोसेस तो रन कर रहे हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए आठवां प्रोसेस आया तो वो रैम में कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोसेस अभी, और यहाँ पे CPU है, तो जिन प्रोसेस को अभी CPU नहीं यूज़ कर रहा है वो प्रोसेस या उनका डाटा चला जाता है मेन मेमोरी में, समझ रहे हैं, वो डाटा चला जाता है मेन मेमोरी में यानी वर्चुअल रैम में, ठीक। तो ये जगह खाली हो जाती है, तो अगर कोई प्रोसेस रन करना है तो वो यहाँ आ सकता है। मान लीजिए ये अभी रन नहीं कर रहा है तो ये भी खाली हो जाएगा, कोई मान लीजिए प्रोसेस P9 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये जब यहाँ चले जाएंगे P2 और P6 तो जैसे CPU की जरूरत पड़ेगी वापस जगह खाली होगी, ये यहाँ लोड हो जाएंगे और यहाँ से CPU अपना जो भी इससे इंस्ट्रक्शन देना लेना है, जो भी प्रोसेसिंग करना है वो कर लेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मेन मेमोरी है वो एक तरह से वर्चुअल रैम की तरह काम करती है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टोरेज मैनेजमेंट करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एक काम रह गया था वो था यूजर इंटरफेस, ठीक है। कि द यूजर इंटरफेस अदरवाइज रिगार्डेड एज द शेल इज द लेयर दैट एक्चुअली इंटरेक्ट विद द ऑपरेटर। द शेल इज यूज टू इनडायरेक्टली इशू कमांड्स विच आर हैंडेड ऑन टू द कर्नल और न्यूक्लियस एलिमेंट। मतलब कि यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ये तो कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, इसके ऊपर हमने बताया था कंप्यूटर के इमीडिएटली ऊपर क्या इंस्टॉल रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूजर को क्या है? अगर यूजर इंटरफेस मतलब यूजर को कोई भी काम अगर कंप्यूटर से कराना है तो डायरेक्टली तो कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर नहीं सकता है, वो कमांड देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देगा कंप्यूटर हार्डवेयर को, और कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसिंग करके वापस उसको देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा यूजर को। तो यूजर या ऑपरेटर कैसे कम्युनिकेट करेगा कंप्यूटर से या कैसे इंटरफेस करेगा, उस चीज को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई यूजर इंटरफेस में, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हम इसके वर्किंग को समराइज करें तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि पहला, इन ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी रनिंग एट द सेम टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन व्हिच एप्लीकेशन शुड रन इन व्हाट ऑर्डर एंड हाउ मच टाइम should be allowed for each application before giving another application a run। मतलब अगर कई application, मान लीजिए application 1, application 2, application 3, application 4, ये सारे एक साथ अगर run कराने हैं तो operating system decide करता है कि कौन सा application पहले run करेगा और उसको कितना time दिया जाएगा, उसके बाद कौन सा run करेगा और उसको कितना time दिया जाएगा, उसके बाद कौन, मतलब ये order कौन set करता है, operating system। तो ये पहला तो काम इसका ये हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। दूसरा क्या है, सेकंड, इट मैनेजेस द शेयर ऑफ इंटरनल मेमोरी अमॉन्ग मल्टीपल एप्लीकेशन। तो मेमोरी का जो मैनेजमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तीसरा क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो हैंडल करना है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। चौथा क्या है कि इट सेंड मैसेज टू ईच एप्लीकेशन और इंटरेक्टिव यूजर अबाउट द स्टेटस ऑफ ऑपरेशन एंड एनी एरर दैट मे अकर। तो मतलब कोई ऑपरेशन जो आपने कंप्यूटर को दिया है वो ऑपरेशन हो गया तो भी सक्सेसफुली का मैसेज आएगा,
आउटपुट डिवाइस पे, कोई एरर आ गई तो उसका भी मैसेज आएगा आउटपुट डिवाइसेस पे। तो ये सारी चीज़ें भी कौन टेक केयर करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। उसके बाद क्या है कि इट कैन ऑफलोड द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट आर कॉल्ड बैच जॉब सो दैट द इनिशिएटिंग एप्लीकेशन इज फ्रीड फ्रॉम दिस वर्क। मतलब बैच प्रोसेसिंग जो होती है काम की, बैच प्रोसेसिंग आगे आपके सिलेबस में आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इकट्ठे कई प्रोग्राम्स को या कई एप्लीकेशन को एक साथ इन द फॉर्म ऑफ बैच, मान लीजिए P1, P2, P3, P4, ये एक साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते हैं और वो इनको एग्जीक्यूट कराता रहता है। ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट करने वाला आदमी है, जो यूजर है, उसने इसको लगा दिया और वो अपना दूसरा काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे आसान तरीका समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हमको 20 फाइलें प्रिंट करनी है, 20 फाइलें हमको प्रिंट करनी है, तो वो 200 फाइलों को हमने प्रिंटर पे प्रिंट कमांड दे के लगा दिया। अब वो प्रिंटर एक एक करके उनको प्रिंट कर रहा है, तब तक हम फ्री हो गए, तब तक यूजर फ्री हो गया कोई और काम करने के लिए। ठीक। ये तो हो गया चौथा। उसके बाद पांचवा क्या, ये ऑफलोड हो गया। पांचवा हो गया ऑन कंप्यूटर्स दैट कैन प्रोवाइड पैरेलल प्रोसेसिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज हाउ टू डिवाइड द प्रोग्राम सो दैट इट रन ऑन मोर देन वन प्रोसेसर एट ए टाइम। मतलब जहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग अलाउड है, अलाउड है मतलब जहाँ पे पैरेलल प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, पैरेलल प्रोसेसर है मतलब वो एक साथ कई एप्लीकेशंस को पैरेलली साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है। तो जब एक साथ आप प्रोसेस कराओगे तो उस चीज़ की भी देख रेख या उसका भी कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हाथ में होगा। और लास्ट क्या है आपका, शेड्यूलर। एज अ शेड्यूलर मतलब शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सीपीयू एंड रिसोर्सेस। सीपीयू को और रिसोर्सेस की शेड्यूलिंग की कौन सी चीज कैसे होगी, कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है, ताकि हमें हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली हाई एफिशिएंसी से काम करे और कोई भी डेडलॉक सिचुएशन ना आए। डेडलॉक मतलब कंप्यूटर कहीं रुके ना, डेडलॉक सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। तो देखिए ये सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी आपको हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम को और पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। तो आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में मैं लिख दूंगा, आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा उस पर। और नेक्स्ट उसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे आपको उसको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।